हाय फ्रेंड्स, आज अपन सीआरओ का बेसिक यूज़ क्या क्या प्रॉब्लम आती है और कैसे सीआरओ यूज़ करना है उसके बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना था। जो प्रैक्टिकली उतना नॉलेज मिनिमम होना चाहिए, जितना नॉलेज प्रैक्टिकली चाहिए उतना मैं आपको बताने वाला हूँ ये वीडियो में। जब भी सीआरओ कौन सा भी सीआरओ ऑन करने से पहले ये देखने का, जो भी स्विच है वो ऐसे बाहर कौन सा भी स्विच प्रेस नहीं होना चाहिए। सब जो स्विचेस है वो सब बाहर होना चाहिए, पहली बात ध्यान में रखो। ठीक है, तो अभी देखो ये मेरा सीआरओ में ऑन करने से पहले मेरे जो भी स्विचेस है सब बाहर है। अभी मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। ऑन करने के बाद मुझे ये हॉरिजेंटल लाइन हो जो सीआरओ की वो लाइन आनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, देखो ये लाइन कभी कभी ऊपर जाती है तो अपन ऑन करते हैं, अपन को लाइन नहीं देखते, इसलिए ये वाई जो पोजीशन है, वाई पोजीशन इधर लिखा है, वाई पोजीशन, वाई पोजीशन से वो चेक करने का किधर है। वैसे भी ए एक्स पोजीशन है, एक्स पोजीशन है, एक्स पोजीशन में ऐसे भी साइड में जा सकते हैं क्योंकि ये अपना कभी टाइम पर डिवीजन ऐसा साइड में हो सकता है। ये देखो टाइम पर डिवीजन आपका कम हुआ तो भी ये प्रॉब्लम होता है, इसलिए टाइम पर डिवीजन कभी भी 1 मिली सेकेंड पे रखने का, एक्स पोजिशन मिडल पे। तो ध्यान में रखो जब भी सीआरओ जब भी ऑन करते टाइम पर डिवीजन का जो नॉब है वो 1 मिली सेकेंड पे रखो। ठीक है, और जो वोल्टेज का नॉब है वो 0.2 वोल्ट पे रखो। अभी देखो ये नीचे नीचे जा सकता है ऊपर, तो इसलिए वाई वाई पोजिशन अपन चेंज करके देखने का आपको एक्स एक्सिस आती है क्या नहीं। बाद में इधर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कभी कभी एकदम जीरो होंगी तो भी आपको जो एक्स एक्सिस का जो लाइन है वो दिखती नहीं, इसलिए इंटेंसिटी कभी इंटेंसिटी भी देखने, और इंटेंसिटी कभी भी मैक्सिमम पे रखेंगे तो अच्छा है। इधर मिनिमम है और मैक्सिमम, और ये फोकस फोकस कम ज़्यादा था, फोकस भी मैक्सिमम और मिनिमम में रखो, मतलब ये आपको स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात है देखो ये वेरिएबल लिखा है टी वेरिएबल, ये क्या होता है उसको मैं आपको पहले बताता हूँ। बाद में इधर देखो कैलिब्रेशन आउटपुट, कभी भी आप सीआरओ यूज करने से पहले कैलिब्रेशन आउटपुट में अभी सीआरओ का मैं प्रोब लगा रहा हूँ इधर। ठीक है, तो चेक करने का अभी मैंने इसको, ये पॉजिटिव है मेरा, पॉजिटिव वाला टर्मिनल में इधर रहा हूँ, तो इधर मुझे 0.2 वोल्ट का एक स्क्वेयर आएगा। तो ये देखो ये 0.2 का मेरा स्क्वेयर आ रहा है, और फ्रीक्वेंसी इधर की तरह लिखना है 0.2 वोल्ट और 1 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का आउटपुट। तो हर हर सीआरओ का अलग अलग आता है आउटपुट, तो देख लो कितना है। तो मेरा ये देखो 1 है तो 0.2 और 1 किलो फ्रिक्वेंसी, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट के लिए एक बॉक्स है, और ये मेरा 1 मिली सेकेंड है, मतलब मेरा सीआरओ कैलिब्रेशन में बराबर। कभी टीबी वेरिएबल है, टीबी वेरिएबल वो मैं कभी चेंज किया तो मेरा फ्रिक्वेंसी चेंज होता है। देखो ये मैं टीबी वेरिएबल चेंज करता हूँ तो मेरा फ्रिक्वेंसी चेंज होता है, तो मैं अभी कैलिब्रेशन करूँगा तो मेरा 1K नहीं आएगा। अभी 500 ही आ रहा है क्योंकि 2 है 2 यानी 1 2 डिवाइडेड बाय 1 2 इंटू 1 इंटू 10 टू माइनस 3, मैंने 1000 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 500 हर्ट्स आएंगे हमारी फ्रीक्वेंसी, तो लेकिन मेरी फ्रीक्वेंसी 1K, इसलिए कभी भी टीबी वेरिएबल वो कभी भी मिनिमम पे रखो, ये भी एक ध्यान में रखो, समझे। टीबी वेरिएबल होल्ड पे वो मिनिमम पे रखो। ठीक है, अभी आपको वोल्टेज कैसे मेजर करते, वोल्टेज कैसे मेजर करते, अभी एक बॉक्स है मेरा यहाँ से यहाँ तक, तो मेरा एक बॉक्स कंप्लीट हो गया, एक बॉक्स इंटू इधर देखो इधर मेरा 0.2 वोल्ट है, तो 1 इंटू 0.2 मतलब मेरा कितना था 0.2 वोल्ट। अभी इधर देखेंगे तो देखो यहाँ एक यहाँ से लेके यहाँ तक यह बड़ा गैप है, और इधर बड़ा, और इधर 5 10 20 50 एक है मिली वोल्ट, तो यहाँ से यहाँ तक मेरा मिली वोल्ट है। फिर से एक गैप है, फिर से 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10, ये क्या होल्ड है यहाँ से हुआ है, मतलब 1 1 बॉक्स है 1 इंटू 0.2, मतलब मेरा कितना हुआ 0.2 वोल्ट। ये फ्रीक्वेंसी भी मैं चेंज करूँगा तो ये 0.5 1 है, तो अभी 0.5 हुआ तो मेरा ये 2 हो गए, ये बॉक्स कितना 2 हो गए, लेकिन मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी उतना ही 1 किलोहर्ट्ज़ ही रहेगी क्योंकि मेरा 0.5 है ना। तो ये देखो ये मेरा वेव बढ़ गया, अभी पहले 0.1 पे रखा तो एक बॉक्स में कंप्लीट हो जाता, अभी मैंने 0.5 पे रखा तो मेरा जो भी वेव फॉर्म है वो अभी मेरा पूरा 2 बॉक्स में कंप्लीट हो रहा है, मतलब एक साइकिल मेरा कितना 2 बॉक्स में कंप्लीट हो रहा है। तो इसका मैं कैलकुलेशन करा तो मुझे 1 किलोहर्ट्ज़ ही आ जाएंगे। ठीक है, बाकी कई
इसको ग्राउंड करूंगा। एक ग्राउंड करना अभी इसलिए क्योंकि अपन को कभी वेवफॉर्म का भी देखना है, अभी इसका ग्राउंड पोजीशन कौन सा है देखना, अभी निकालने से अभी ऊपर और नीचे मतलब 50% ऊपर गए और 50% नीचे गए। इसके लिए कभी कभी अपन को डीसी कभी चेक करना है, कभी डीसी वेवफॉर्म चेक करना है तो ग्राउंड पहले पेस करने के उसको छोड़ने के बाद ग्राउंड से ऊपर जाते, तो अब डीसी वेवफॉर्म करने के लिए वो ग्राउंड अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी अपन को एक साथ दो चैनल देखने, इसलिए इधर मोनो और ड्यूअल दिया, तो मोनो और ड्यूअल का जो नॉब है वो प्रेस करने का। तो ये देखो ये सेकंड आ गए, तो इसको भी वाई पोजीशन से कम ज़्यादा देखो। अभी मैं ये फर्स्ट चैनल यूज़ कर रहा हूँ और मैं अभी देखो अपन को एक साथ दो वेवफॉर्म देखना है, तो इसलिए मैंने ड्यूअल अभी ऊपर रखा। तो जो ऊपर का है मतलब जब बाहर स्विच रहा है तो ऊपर का एक्स वन एक्स वाई, जब मैं प्रेस करूंगा तो एक्स वाई। अभी इधर ऊपर नीचे अभी मैंने प्रेस किया तो ड्यूअल हो गया, पहले क्या था मोनो था, मैंने ऐसे निकाला तो मोनो, मोनो मतलब एक ही सिग्नल देख सकते। अभी मैंने प्रेस किया तो ड्यूअल हो गया, मतलब मैं एक साथ दो सिग्नल देख सकता हूँ। तो मैं इसको इधर लगाता हूँ और वही जो इनपुट है मैं वही इनपुट चेक करता हूँ। और ये कितना मेरा 20 पे, इसका आउटपुट कितना 0.2, इसलिए मुझे स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही, इसलिए मैं इसको चेंज करके 0.2 पे दिखा देता। ये देखो हो गए दोनों वेवफॉर्म, वन वन बॉक्स का है। तो अपन को दोनों एक साथ देखने होंगे तो एक प्रेस करने का मोनो एंड ड्यूअल। ठीक है, बाकी के ये जो ये कभी मैंने एक्स वाई में अभी दोनों चैनल को अभी एक साथ देखना है तो एक्स वाई, वो एक्स वाई अपन मैक्सिमम के लिए वोल्टेज के लिए करते हैं, और दूसरा जो अपन को कभी लीसेजेस पैटर्न कभी देखना है तो उसके लिए अपन एक्स वाई पे प्रेस करते हैं। एक्स वाई का यूज़ इतना लीसेजेस पैटर्न के लिए, और अपन को एक दो स्ट्रेट लाइन अभी दोनों चैनल, एक चैनल का भी मैं रखूँगा, सपोज मैं एक निकाल देता हूँ, देखो एक्स वाई देखो तो ये मेरे दो डॉट आ गए, दो डॉट आने से देखो तो मैं इसे मेजर कर सकता हूँ। अभी मैं स्क्वायर है साइन वाई देंगे तो स्ट्रेट लाइन स्क्वायर है, इसलिए मुझे मेरे इधर दो डॉट आ रहे हैं, साइन वाई देंगे मेरे स्ट्रेट लाइन, तो अपन को वोल्टेज मेजर करने के लिए अच्छा होता है। ठीक है, इतना ही यूज़ है। बाद में जो आईटो लेवल कभी अपना साइन वाई कभी कंटिन्यूस कभी रन होता होगा मतलब स्टॉप नहीं रहते होंगे, तो आप आईटो लेवल प्रेस करके लेवल से भी कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो ये होल्ड का बटन है होल्ड से भी कंट्रोल कर सकते हैं। एटोलोर का इसके लिए जब अपन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जब भी वेवफॉर्म देखते हैं तब भी एटोलोर प्रेस करने का और देखने का तो एकदम अच्छी दिखती है, नहीं तो ऐसे ही ये एटोलोर बाहर करके आपको भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का वेवफॉर्म देखेंगे तो वैसे घूमते रहते हो बराबर दिखते नहीं, इसलिए एटोलोर तब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए यूज करो, नहीं तो कभी अपना साइन वेव कभी घूमता रहे होंगे कभी स्टेबल नहीं रहता तभी भी अपन एटोलोर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है।